नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2020 नवरात्रि और दशहरा सहित जाने इस महीने के व्रत और त्योहार और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वर्ष अक्टूबर के महीने में 15 दिन अधिक मास के पड़ रहे हैं, जो 17 अक्टूबर को खत्म भी हो जाएंगे। अधिक मास के खत्म होते ही इस मास बहुत सारे त्योहार आएंगे, जो बहुत बड़े त्योहार कहलाते हैं। इनमें से नवरात्र और दशहरा ऐसे त्योहार हैं जिन्हें पूरा देश बहुत ही उत्साह से मनाता है। इसके अलावा भी अक्टूबर में कई पर्व पड़ रहे हैं जिनकी तिथि और शुभ मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आरंभ यानी कि घट स्थापना, जो कि 17 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएगी। इस दौरान कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त पर घरों में पूरे विधि विधान के साथ कलश की स्थापना की जाती है। कुछ लोग अपने घरों में जवारे भी बोते हैं और पूरी नवरात्र भर इन जवारों में जल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन जवारों को देवी जी का ही स्वरूप माना जाता है। नवरात्र के आखिरी दिन कन्या भोज के बाद इन जवारों को विसर्जित कर दिया जाता है, जिसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:23 से 10:11 तक और कल्परम 21 अक्टूबर 2020 को है। नवरात्र की षष्ठी से कल्परम की पूजा शुरू होती है। यह बहुत ही विशेष पूजा होती है जो नवमी तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी दुर्गा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन कलश और अन्य पात्रों में जल भरकर बिल्व वृक्ष के नीचे रखा जाता है और देवी दुर्गा को नींद से जगाने की प्रार्थना की जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त है 21 अक्टूबर सुबह 9:09 से शुरू होकर 22 अक्टूबर सुबह 7:41 तक। नव पत्रिका पूजा 22 अक्टूबर 2020। महासप्तमी के दिन दुर्गा पूजा का पहला दिन होता है और इस दिन नवपत्रिका पूजन किया जाता है। ज्यादातर यह पूजा बंगाल, असम, झारखंड और ओडिशा आदि इलाकों में की जाती है, मगर दुर्गा पूजा का क्रेज अब लगभग हर शहर में देखा जा रहा है। ऐसे में नवपत्रिका पूजन के बाद ही दुर्गा पूजा शुरू होती है। शुभ मुहूर्त है 22 अक्टूबर 7:41 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 6:58 तक। दुर्गा महाअष्टमी और नवमी पूजा 24 अक्टूबर 2020 को। इस बार दुर्गाष्टमी और नवमी दोनों ही एक दिन पड़ रही है। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिनों में घरों में कंजकू को खिलाने की परंपरा है। कई लोग अष्टमी मनाते हैं तो कई लोगों के घर पर नवमी मनाई जाती है। जो लोग सप्तमी को कंजक खिलाते हैं वह अष्टमी को ज्वारे विसर्जित कर देते हैं और जो लोग अष्टमी को कंजक भोज रखते हैं वह नवमी के दिन ज्वारे विसर्जित करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग नवमी वाले दिन भी कंजक भोज कर ज्वारे विसर्जित तक करते हैं। शुभ मुहूर्त है दुर्गाष्टमी 23 अक्टूबर सुबह 6:58 से शुरू होगी और 24 अक्टूबर सुबह 7:01 समाप्त हो जाएगी। वहीं दुर्गा नवमी 24 अक्टूबर सुबह 7:01 से शुरू होकर 25 अक्टूबर 7:44 तक रहेगी। दुर्गा विसर्जन और दशहरा, जो कि है 25 अक्टूबर 2020 को। इस बार दुर्गा विसर्जन और दशहरा एक ही दिन मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा विसर्जन के दिन माँ शक्ति अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ मायके से वापस ससुराल कैलाश लौट जाती हैं। इस दिन जो लोग अपने घर पर दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं वह धूमधाम से उन्हें ससुराल विदा करते हैं। वहीं इस बार दशहरा और दुर्गा विसर्जन एक ही दिन पड़ रहा है, इसलिए यह दिन और भी विशेष हो जाता है, जिसका शुभ मुहूर्त है दुर्गा विसर्जन का समय सुबह 7:44 के बाद से और दशहरा विजय मुहूर्त दोपहर 13:57 से 14:41 तक। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।